ये कहानी है इंडियन क्रिकेट के सबसे बुरे मैच की, जहां पर न्यूजीलैंड का शुरुआत बहुत खराब रहा और 69 रनों पर उनके 2 विकेट गिर गए। इसके बाद केन और टेलर ने पारी संभाला और न्यूजीलैंड का स्कोर 139 रन पहुंचा दिया। लेकिन तभी न्यूजीलैंड के बल्लेबाज अपना विकेट गंवाने लगे और अंत में भारत को 240 का लक्ष्य मिला। लक्ष्य हासिल करने उतरी भारत का हाल उतना ही बुरा हुआ जितना शादी के बाद दूल्हे का, और सिर्फ 23 रनों पर भारत ने 4 विकेट खो दिए। इसके बाद पंत और हार्दिक ने पारी संभाला, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों गर्लफ्रेंड की तरह छोड़ के चले गए। अब भारत का स्कोर था 31 ओवर में 92/6। इसके बाद न्यूजीलैंड को लगा कि वो आसानी से मैच जीत जाएंगे, लेकिन फिर धोनी और जडेजा न्यूजीलैंड के बॉलर्स को धोने लगे और भारत का स्कोर 208 पहुंच गया। लेकिन तभी जड्डू आउट हो गए। अब जीत के लिए चाहिए था 12/31। फिर धोनी ने छक्का मारा, लेकिन अगली गेंद पर धोनी रन आउट हो गए और इंडिया हार गई।